Good afternoon, everyone. This is the third video of Heredity. Already we have discussed about monohybrid inheritance in our previous video. Now I want you to focus. I want you to focus on dihybrid inheritance and the law of independent assortment. Dihybrid inheritance ke andar, दो पेयर्स होते हैं इनहेरिटेंस के ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो स्टडी करता है इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स राइट जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो स्टडी करता है इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी आप कह सकते हैं सेम टाइम पर जो दो पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वो मैंडल ने चूज किए थे वो थे शेप और कलर ऑफ सीड्स जिसमें राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स आ रहे थे इस चीज को ट्रेस करने के लिए इनहेरिटेंस को ट्रेस करने के लिए जो कि दो पेयरस थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के मेंडल ने क्रॉस कराया पी प्लांट्स को जो राउंड येलो सीड्स वाले थे और ऐसे पी प्लांट जो रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले थे और उन्होंने ये नोट किया कि उनका जो अक्रेंस है लगातार जो जनरेशन्स में आ रहा है आगे पी प्लांट्स की तो मेंडल ने ये कुछ ऑब्जरवेशंस दी विच आर एज फॉलोज मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस कराया प्योर ब्रेड पी प्लांट्स को जो राउंड येलो सीड्स थे जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हैं सामने और प्योर ब्रेड ऑफ पी प्लांट जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे उन्हें भी कराया इन दोनों को आपस में कराया राउंड येलो वालों को और रिंकल्ड ग्रीन पी सीड्स को ये बात ध्यान रखना ठीक है अब मिस्टर मेंडल ने ये चीज़ देखी अब मैंडल ने यह ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्रॉस कराया राउंड येलो सीड्स को और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को जैसे कि मैंने बताया आपको और उन्होंने ये फाउंड किया कि सिर्फ राउंड येलो सीड्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोई भी रिंकल्ड ग्रीन सीड जो था एफ वन जनरेशन में ऑप्टेन नहीं हुआ था इससे यह पता लगा कि जो राउंड शेप है और जो येलो कलर है सीड्स का वो डोमिनेंट रेट है आई रिपीट राउंड शेप और येलो कलर जो सीट का है वो डोमिनेंट ट्रेट है जबकि जो रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर है सीट का वो रिसेसिव ट्रेट है अब जब एफ वन जनरेशन के पी प्लांट्स लिए गए जिनका राउंड येलो सीड्स थे उन्हें उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई सेल्फ पॉलिनोश सेल्फ पॉलिनेशन मेथड के द्वारा तो चार तरीके के सीड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग शेप और साइज़ और अलग अलग कलर के हमें ऑब्टेन हुए सेकेंड जनरेशन यानी कि एफ़ टू जनरेशन के अंदर ये थे राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन मेंडल ने टोटल 556 सीड्स F2 जनरेशन के कलेक्ट किए और उनको काउंट किया उनके शेप वाइज और उनके कलर वाइज क्योंकि यही दो मेन करेक्टर्स हैं 556 लिए थे जिसमें से 315 उन्हें मिले थे राउंड येलो सीड्स वन जीरो एट मिले थे राउंड ग्रीन सीड्स वन जीरो वन मिले थे रिंकल्ड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स मिले थे थर्टी टू तो जो फिनोटाइपिक रेशो आया है दोनों हाथ से पकड़ो फोन जो फिनोटाइपिक रेशो आया है अलग अलग तरह के सीड्स का उसका उन्होंने रेशो निकाला रेशो था राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो और रिंकड ग्रीन का वो रेशो आया था थ्री वन फाइव रेशो वन जीरो एट रेशो वन जीरो वन रेशो थर्टी टू अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेशो हो जाएगा नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन हो जाएगा यानी कि हर फिनोटाइप हर अपियरेंस ऑफ सीड्स का जो रेशो आया टू जनरेशन में वो आया नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन मोनो और डाई हाइब्रिड में मैंने पहले ही आपको डिफरेंस बताया और अगर एलील्स की डेफिनेशन चाहिए तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं सेम ही जीन के जिसमें हर फॉर्म कंट्रोल करता है हर एक हर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को या ट्रेड को तो रेशो जो हर फिनोटाइप की आई है एफ टू जनरेशन के अंदर वो नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन आई है मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक के साथ स्टार्ट किया था सीड्स के जो कि राउंड येलो थे या रिंकल्ड ग्रीन थे लेकिन इस बार उनको दो नए कॉम्बिनेशन मिले एफ टू जनरेशन के अंदर जो कि थे राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। इस बेसिस पे मिस्टर मेंडल ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी और यह बताया कि माना कि जो दो पेयर्स थे ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक वाले शेप और कलर वो सेम रहते हैं कंबाइन रहते हैं एफ वन जनरेशन में पर वो होते अलग अलग हैं और अलग तरीके से ही बिहेव करते हैं आगे आने वाली जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस ने ये एनेबल किया मैंडल को ताकि वो अपना जो सेकंड लॉ है इनहेरिटेंस का वो फॉर्मुलेट कर सके और उसी को ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाटमेंट का नाम दिया मेंडल के सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से उनका जो इनहेरिटेंस था ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स इन अक्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे हर पेयर के लिए वो इंडिपेंडेंट थे उनके गैमेट्स के बजाय अब देखिए मैंने पहले भी बताया राउंड और येलो जो है इसका साइज इसलिए बड़ा बताया क्योंकि ये डोमिनेंट रेट है जबकि स्मॉल आर और स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ध्यान दीजिएगा क्लास डाई हाइब्रिड अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऐसा रिजल्ट उसे मिला क्यों डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो पेरेंट प्लांट था उसका जो फिनोटाइप था वो था राउंड येलो सीड्स और उनके जो फैक्टर्स थे इनहेरिटेंस के या जीन कॉम्बिनेशन के वो आए थे डबल आर डबल वाई कैप्स में यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट जीन है वो राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि कैप्स में दो बार जो डबल वाई लिखा हुआ है वो डोमिनेंट जीन है और वो येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट right, तो जब भी डबल आर और डबल वाई आएगा याद रखना ये दोनों ही डोमिनेंट जीन है एक राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक येलो कलर को कर रहा है जबकि जो पेरेंट प्लांट्स थे उनके जो फिनोटाइप्स थे वो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे जिनके फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस या जो जीन कॉम्बिनेशन था उसे हम दो बार स्मॉल आर और दो बार स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें जो दो बार स्मॉल आर लिखा हुआ है वो रिसेसिव जीन है रिंकल्ड शेप का और दो बार जो स्मॉल वाई है वो रिसेसिव जीन है ग्रीन कलर का याद रखना मैंने पहले ही बता दिया ये जो ग्रीन कलर है इसका साइज तभी इसमें देखो स्मॉल है क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है और स्मॉल आर का मतलब स्मॉल आर दो बार जो दिया हुआ है वो ग्रीन कलर के लिए दिया हुआ है राइट और स्मॉल वाई जो दो बार दिया है सॉरी स्मॉल वाई जो है रिसेसिव ग्रीन कलर के लिए दिया हुआ है और दो बार जो स्मॉल आर दिया हुआ वो रिंकल्ड शेप के लिए दिया हुआ है मैं आपके लिए यहाँ हिंट लिख देता हूँ स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड है जो दो बार स्मॉल वाई दिया हुआ है ये ग्रीन कलर के लिए दिया हुआ है और कैप्स में तो आपको ध्यान ही होगा अब हम इसके पेरेंटल क्रॉस से समझेंगे पेरेंट्स का फिनोटाइप उनके फैक्टर्स इनहेरिटेंस उनके गैमेट्स उनका फ्यूजन करा के और एफ वन जनरेशन के बारे में यहां डिटेल दिया आप देख सकते हैं कैपिटल आर यानी कि राउंड कैपिटल वाई यानी कि येलो सीड्स थे स्मॉल आर यानि कि रिंकल्ड और स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन सीड्स थे अब इनको आपस में क्रॉस कराया बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया तो पहला मिला कैपिटल आर स्मॉल आर ये देखिए पहला मिला है कैपिटल आर ये बेटा अगर आप इसे इजीली करना चाहते हैं ना तो इन सबको अलग अलग वेरिएबल समझो जैसे मैथमेटिक्स में हम समझते हैं और फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ए बी वेरिएबल की सी डी से करते हो तो ए बी सी डी आता है रिजल्ट कुछ इस तरीके से समझो तो कैपिटल आर वाई की मल्टीप्लाई इससे कराई गई है स्मॉल आर वाई से तो क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई ठीक है चारों वेरिएबल आ गए अगर कैपिटल आर वाई की सपोज कर लो इसका जो क्रॉस है वो कराया गया है स्मॉल वाई स्मॉल वाई से यहां पर देखिए ध्यान से जूम इन करके दिखाता हूं स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया गया है तो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहां देखो इस वाले कैपिटल आर वाई का क्रॉस कराया गया स्मॉल आर वाई से तो रिजल्ट कैस कीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फाइनली एक बार इसका इससे कराया गया होगा हम्म तो रिज़ल्ट हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सिंपल एज दैट तो ये एफ वन जनरेशन थी बेटा इसके अंदर तो सारे जो थे राउंड येलो ही आ रहे थे राउंड भी आ रहे थे येलो भी आ रहे थे मैंने बता ही दिया था आपको अब इसी की जनरेशन के आपस आप में इनका मीटिंग कराएंगे हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे ठीक है ना उसके लिए यहां पर आपको एक टेबल के साथ मैं ये समझाना चाहूंगा देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई यही थे और इनकी कराई है जो रिजल्ट मिले थे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर सेम इन्हीं से कराई है राइट बेटा ये वैसे तो एक जैपनीज मेथड भी होता है मल्टीप्लिकेशन का इसमें बस आप मैं कहूँगा इन्हें वेरिएबल समझना दिस इंटू दिस करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दो बार आएगा ठीक है ना कैपिटल आर भी दो बार है इसकी इससे करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी इससे करोगे तो स्मॉल आर पहले लिखते कैप्स में ही आर को है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई आएगा ऐसे करके आप ये टेबल बना सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं अब अगर आप ये टेबल बना लेंगे ये वाले दोनों टेबल इनकी आपस में देखिए इन्हीं की मल्टीप्लाई की थी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल इनके फिर क्रॉसिंग कराइए आपस में और फिर इनकी यहां पर फर्दर ए करके टेबल बनाया राइट right? तो टेबल में देख लो इसके रिजल्ट अगर देखोगे टेबल के तो राउंड येलो एफ टू जनरेशन के अंदर मिल रहा है नाइन केसेस में राउंड ग्रीन मिल रहा है थ्री केसेस में रिंकल्ड येलो मिल रहा है तीन केसेस में और रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है एक ही केस में राइट right? तो क्लास इस रिजल्ट ये रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम है एज ऑपटेन बाय में एक्सपेरिमेंट सबसे अमेजिंग थिंग जो है मैंडल के वर्क के बारे में कि उसने वर्क कर लिया था आउट द अंडरलाइंग रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बिफोर एनी नॉलेज ऑफ डीएनए उस समय डीएनए की कोई नॉलेज नहीं थी जैसे यहाँ एक क्वेश्चन भी है डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू प्रोजिनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स एंड अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स लुक लाइक तो ये जो प्रोजिनी है टॉल प्लांट की जिसके राउंड सीड है अगर उसको क्रॉस कराया जाता है शॉर्ट प्लांट्स के साथ जिसके रिंकल्ड सीड्स हैं तो पहली जनरेशन में तो सभी टॉल प्लांट्स ही आएंगे विद राउंड सीड्स क्योंकि टॉलनेस और राउंड शेप जो होती है सीड्स की वो डोमिनेंट रेट होती है और पहली जनरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता और जो शॉर्टनेस और रिंकल्ड शेप है वो रिसेसिव ट्रेट है कह रहा है सेकंड पार्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द एफ वन प्रोजिनी ऑब अब आर यूज टू प्रोड्यूस एफ टू प्रोड्यूसिनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप एफ वन प्रोजिनी को क्रॉस ब्रीड कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन मेथड से तो हमें चार तरीके की प्रोजिनी मिलेगी एफ टू जनरेशन के अंदर ये चार तरीके की जो प्रोजिनी है उसमें दो जो टाइप्स हैं उनके ट्रेट्स जो होंगे जैसे कि जो पेरेंट्स से मैच खाते होंगे और बाकी दो जो होंगे वो बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन होंगे कई एफ टू प्रोजनी जो होंगी वो टॉल प्लांट होंगी और राउंड सीड्स होंगे ऐसे रिजल्ट आपको नाइन मिलेंगे कई एफ टू प्रोजनीस होंगी वो टॉल प्लांट होंगे लेकिन उनके रिंकल्ड सीड होंगे तो ऐसी प्रोजिनी आपको थ्री मिलेंगी कई एफ टू प्रोजनी जो हैं शॉर्ट प्लांट्स होंगे विद राउंड सीड्स ऐसी थ्री मिलेंगी और कई एफ टू प्रोजनी शॉर्ट प्लांट्स होंगे विद रिंकल्ड सीड ऐसी वन मिलेगी तभी बेटा रेशो आई थी नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ध्यान रखना लेकिन जो रूल्स होते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड के जो मैंडल ने दिए थे ये एप्लीकेबल होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी ठीक है ना अब हम ये बात करेंगे कि कैसे करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उनकी प्रोजिनी में उनके ऑफस्प्रिंग में आपको पता है जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेड के पेरेंट्स के ये ट्रांसमिट हो जाते हैं उसकी प्रोजिनी में थ्रू जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन्स हमने आपको पहले भी बताया हमेशा पेयर में काम करते हैं देर इज अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर होता है हर पेरेंट जो है वो प्रोजेस करता है एक पेयर ऑफ जीन्स अपने हर कैरेक्टर के लिए ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जबकि हर पेरेंट जो है वो पास करता है ओनली वन ऑफ द टू जीन्स ऑफ द पेयर ऑफ ईच कैरेक्टरस्टिक टू इट्स प्रोजीनी अपने बच्चों में पास करता है और गैमेट्स के थ्रू पास करता है जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट है वो, वो एक एक जीन कैरी करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द जीन पेयर ऑफ पेरेंट्स से लेकर उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है लेकिन जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन के दौरान तो वो एक नया सेल बनाते हैं उस नए सेल को कहते हैं जायकॉड और ये जो नया सेल होता है इट इज अ सेट ऑफ जीन्स ये जायकॉड फिर ग्रो करता है और पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों पेरेंट से मैच खाते हैं ठीक है ना क्योंकि वो इनहेरिट हुए हैं जीन्स के द्वारा जो दो जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस पर ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोजोम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ये फिगर नंबर 15 को ध्यान से देखें तो जो दो जीन्स हैं सेम करेक्टर्स के लिए वो प्रेजेंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस पर क्रोमोज़ोम की जिसमें से एक जीन जो होता है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा जीन जो है वो डवाफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि जो प्रोजिनी है वो ही इनहेरिट करती है दोनों जीन्स को उनके हर ट्रेड के लिए उनके पेरेंट्स से लेकर लेकिन जो ट्रेड शो किया जाता है बाय द प्रोजिनी डिपेंड्स ऑन विच इनहेरिटेड जीन इज डोमिनेंट बाय द टू कौन सा इनहेरिटेड जीन जो है वो डोमिनेंट है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पी प्लांट की प्रोजिनी को समझें तो वो इनहेरिट करती है टॉलनेस के लिए फ्रॉम वन पेरेंट एंड द जीन फॉर ड्वाफनेस फ्रॉम द अदर पेरेंट तो ये शो करेगा कि क्या ट्रेट है टॉलनेस का और वो जब पूरा टॉल प्लांट बन जाएगा राइट right? तो बेटा बस ये तो आप रीड कर लीजिएगा आपको पता होना चाहिए कि ऑल दो द जीन फॉर ड्वाफनेस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स इट डजेंट शो इट्स अफेक्ट बिकॉज बोथ द पेरेंट ऑन वन कॉपी ईच ऑफ द रिसेसिव जीन फॉर डॉक्नेस मेकिंग द जीनो टाइप दट द प्लाट दैट द ट्रेड ऑफ डॉफनेस विल अपियर इन द प्रोजिनी ठीक है ना अब आता है क्वेश्चन कि जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं किसी भी कैरेक्टरस्टिक को या किसी भी ट्रेड को देखो प्लांट्स की तरह ही जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू जीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स उनके ऑफ में अब हम एग्जाम्पल देंगे जैसे कि कलर ऑफ हेयर पेरेंट्स का कैसे बच्चों में ट्रांसफर होता है लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि ब्लैक हेयर एक फीनो है जो प्रोड्यूस होता है जीनो कैपिटल एच कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर या पेल येलो हेयर एक ऐसा फिनोटाइप है जो प्रोड्यूस होता है जीनोटाइप एच, एच के द्वारा कि अगर कोई मॉम है कि एग्जाम्पल देता हूं अगर कोई मदर है उसके ब्लैक हेयर है पर फादर के ब्लॉन्ड हेयर हैं पे, येलो हेयर है ठीक है ना जैसे कि यहां पर आपको पिक्स में दिख रहा है पिक्स पर ही फोकस करना अभी और जो बच्चा है उसके बाल कैसे हैं ब्लैक है तो इसे हम ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फॉर हेयर कलर के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे मदर और फादर के द्वारा वो उसके बच्चे में आए मदर के सेल में आपको पता है दो जीन्स हैं कैपिटल एच कैपिटल एच ब्लैक हेयर्स के लिए दोनों जीन्स कैपिटल एच कैपिटल एच जो है वो डोमिनेंट जीन्स है ठीक है तो मदर के जो हेयर हो गए वो ब्लैक हो गए जबकि जो फादर का सेल है उसमें दो जीन्स है स्मॉल एच स्मॉल एच ब्लॉन्ड हेयर के लिए अब ये जो स्मॉल एड स्मॉल एच है ये रिसेसिव जीन है फादर के ब्लॉन्ड हेयर हैं या पेल येलो हेयर है ठीक है तो रिप्रोडक्शन के द्वारा मदर जो है ट्रांसमिट करेगी अपने डोमिनेंट जीन कैपिटल एच जो था ब्लैक हेयर का अपने बच्चे को और फादर अपना रिसेसिव जीन भेजेगा स्मॉल एच अपने बच्चे को तो इस वजह से चाइल्ड के जो जीन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैपिटल एच स्मॉल एच तो ये जो जीन है कैपिटल एच जो कि ब्लैक हेयर के लिए यूज हो रहा था वो डोमिनेंट जीन है और स्मॉल एच जो है वो रिसेसिव जीन है अब जो डोमिनेंट जीन है कैपिटल है जो ब्लैक हेयर के लिए यूज हो रहा था वो अपना इफेक्ट दिखाता है जिसकी वजह से बच्चे के जो बाल हैं वो काले हैं राइट और जो रिसेसिव जीन था स्मॉल है जो ब्लॉन्ड हेयर था वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन इसी वजह से जो बच्चे के जो बाल हैं दूसरे उसके फादर पे नहीं गए हैं मदर पे गए हैं राइट ब्लैक है राइट ये ध्यान रखना अब हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट करते हैं मान लो चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी ए बी और ओ ये जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है ये एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है उसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें कैपिटल आई टू द पार ए कैपिटल आई टू दार बी और कैपिटल आई टू डिनोट किया जाता है अब जो जीन्स हैं कैपिटल आई टू कैपिटल आई टू बी वाले उनका कोई डोमिनेंस नहीं होता एक दूसरे के ऊपर वो को डोमिनेंट होते हैं राइट right? जबकि यही दोनों जीन्स कैपिटल आई टू द पार ए और आई ए और आई बी मैं प्रोनाउंस करूंगा इन्हें तो ये दोनों जो हैं डोमिनेंट होंगे ओ वाले जीन के ऊपर आई टू द पार ओ वाले जीन के ऊपर ओ के ऊपर ओके okay? तो हम कह सकते हैं आईओ जो है वो रिसेसिव हो गया जब भी उसे कंपेयर करेंगे आई ए और आई बी के साथ आपको बताया था देर आर थ्री जीन फॉर्म्स एलील्स ब्लड के लिए जो होती हैं लेकिन कोई भी एक पर्सन जो कोई भी एक पर्सन की बात करें बट एनी वन पर्सन कैन हैव ओनली वन ऑफ देम ये ध्यान रखना ठीक है ना सॉरी एनली टू ऑफ देम कोई भी एक आदमी है वो दो ही वो कर सकता है तो जो ब्लड ग्रुप है पर्सन का वो डिपेंड करेगा दो फॉर्म्स पर अगर उसका जीनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन आईए आइए है तो जो ब्लड ग्रुप है पर्सन का ए आएगा ओ के ऊपर दोनों समझ लो अपनी मेजोरिटी दिखाते हैं ठीक है ना अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं तो अगर जीनो टाइप ए ओ है तो ब्लड ग्रुप बंदे का ए होगा अगर जीनो टाइप बी बी है तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा अगर बी और ओ है तो भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा अगर जीन अगर ए बी है दोनों तो वो को डोमिनेंस थे तो ए बी होगा मैंने पहले ही बताया कईयों का ए बी भी होता है और अगर ओ ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा जैसे मेरा बी पॉजिटिव है राइट तो मेरा बी वो वाला हो गया राइट अब मान लो जैसे एक कोई पर्सन है उसकी शादी एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप था ए उसकी मैरिज हुई जिस लेडी से उसका ब्लड ग्रुप है ओ तो कह रहे हैं उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा उस बच्चे का ग्रुप या तो ए हो सकता है और या तो आई ये ए ए होगा ना या ए ओ होगा ये बता रहा है अब उस बच्चे का हमें बताना है क्या होगा राइट तो बच्चा जब फादर का क्या बताया था मैंने आपको ए बताया था ठीक है ना और अगर ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनो टाइप ए ए है तो वो तो ए ही आएगा ठीक है ना और जो विमेन का था ओ था तो वो आईओ आईओ था तो जो ब्लड ग्रुप फिर ए ही आएगा क्योंकि ए आपको पता है डोमिनेंट है ओ के ऊपर राइट और अगर ब्लड ग्रुप ए का जीनो टाइप है आई ए ओ तो जीनो टाइप मैन ब्लड का ये आपको पता ही है विमेन का तो हर बार तो इक्वल चांस एक ये भी हो सकता है कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ए आएगा या ओ आएगा ठीक है ना ये ध्यान रखना अब जो ये ब्लड ग्रुप होता है ये इनहेरिट होता है किससे बाय अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट इन द सेम वे द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज आल्सो इनहेरिटेड कि लड़का होगा या लड़की होगा इसके लिए भी पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब हम ये चीज़ डिस्क्राइब करेंगे ठीक है कि इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स इज ऑल्सो नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में ये इलीगल है बैन है आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन पर यहाँ पर एक मेथड है जिससे मैं आपको समझाना चाहूँगा जैसे कि क्रोमोजोम्स की बात होती है अगर दोनों डबल एक्स होते हैं सब कैप्स लेटर से एक क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करते हैं तो लड़की पैदा होती है फीमेल गर्ल होती है अगर एक कैपिटल एक्स और एक कैपिटल वाई होता है तो लड़का होता है अब देखो किसी का कोई भी सेक्स हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि जो क्रोमोजोम जो डिटरमाइन करते हैं उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं मैंने आपको बताया दो ही तरह के क्रोमोजोम है एक्स और एक है वाई अब जो फादर है उसके पास सिर्फ एक्स क्रोमोजोम जो होता है अगर उसके पास एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है जैसे कि यहां पिक्चर में भी आप देख रहे हो फादर के पास एक एक्स क्रोमोजोम है एक और एक वाई है और मदर के पास मदर के एग में दोनों ही एक्स क्रोमोजोम है तो बेटा जब मदर का ये वाला एक्स और ये एक्स मिलेगा फादर का तो क्या होगा लड़की पैदा होगी एक्स वाई इज फॉर गर्ल सॉरी एक्स एक्स इज फॉर गर्ल्स एक्स वाई इज फॉर बॉय क्योंकि मदर के पास एक्स ही है भाई मदर अपने एक्स ही क्रोमोजोम रिलीज करेगी अब वो फादर के जब एक्स क्रोमोजोम से मिलेंगे मदर का एक्स क्रोमोजोम तो गर्ल चाइल्ड होगी और फादर का वाई क्रोमोजोम जब मदर के एक्स क्रोमोजोम से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा लेकिन इंडियन सोसाइटी जो गर्ल्स के बर्थ पे एक्सेप्ट नहीं करती है अधिकतर मैंने नोट किया है और ब्लेम भी किसको करती है लेडी को करती है लेकिन बायोलॉजिकली ब्लेम अगर लड़की पैदा होने के लिए करना भी पहली बात तो करना ही क्यों है नंबर वन नंबर टू अगर करना भी है तो कौन हो गया रिस्पॉन्सिबल उसके लिए मेल हो गया लेकिन इंडियन सोसाइटी फीमेल को ब्लेम करती है पहली बात है लड़का और लड़की एक ही समान है नंबर वन ठीक है ना लेकिन फिर भी एक ये ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से इसे अच्छे से पढ़ना कि वाई क्रोमोजोम जो है वो मेल ही कैरी करता है ठीक है तो बॉय रिस्पॉन्सिबल जो जायॉट है वो एक्स वाई होगा उसके लिए मतलब लड़का पैदा होगा उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोजोम है ठीक है तो जो स्पर्म है वही सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन करता है ये सब मैंने आपको समझाई दिया तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बोर्न तो क्लास ये ध्यान रखना एक छोटा सा वो टॉपिक है ये क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लखमीर में गिवन है एक छोटा सा वो टॉपिक है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट देखो ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है जो इनहेरिट जो हेरिटेड

ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में एक्वायर्ड ट्रेड जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो आप पास ऑन नहीं कर अगर मेरे बेटे को स्विमिंग सीखनी है मान लो मुझे स्विमिंग आती है मेरे बेटे को भी सीखनी है तो उसको बिल्कुल जीरो बिगनर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा ये नहीं है कि मुझे स्विमिंग आती है तो वो पैदा हुआ उसे ऑटोमेटिकली आ गई ऐसा कुछ नहीं होगा राइट तो वो एक्वायर ट्रेड होगा अगर वो स्विमिंग सीख जाएगा तो

देन दो देर इज अ चेंज इन द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ द बीटल पर उनके जीन्स में उनके डीएनए में कोई भी चेंज नहीं होता ठीक है जो उनके रिप्रोडक्टिव सेल में है और उनके जीन्स में कोई भी चेंज नहीं होता तो जो एक्वायर्ड ट्रेट है जो लो वेट है बीटल का वो इन्हैरिट नहीं किया जा सकता उनके ऑफ स्प्रिंग में ये नहीं है कि मतलब मा, माँ बाप पतले हैं तो वो उनके बच्चे भी पतले हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना तो अगर जनरेशन ऑफ बीटल्स लो है बॉडी वेट में बिकॉज ऑफ द एवेलेबिलिटी ऑफ द लेस फूड दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन क्योंकि इसमें जो चेंज है वो अगली जनरेशन तक नहीं पहुंच रहा वेन एवर दीज बीटल्स विल गेट सफिशियंट फूड दे विल बिकम हेल्दी अगेन एंड ट्रेट ऑफ द लो बॉडी वेट विल डिस एक और एग्जाम्पल करते हैं कि अगर आपने कुछ चूहों को ब्रीड कर रहे हैं तो जो उनकी प्रोजिनी है ऑफ दीज माइस इट विल हैव टेल्स जैसे कि उनके पेरेंट्स की टेल होती है लेकिन अगर आपने कट कर दी फर्स्ट जनरेशन की टेल्स को कट कर दिया सर्जिकली उन्हें ब्रीड किया तो आपको नया माइस मिलेगा तो भी उसकी टेल जरूर होगी ये ध्यान रखना ठीक है कोई चूहे वाले थे उनकी टेल कट कर दी सर्जिकली तो ये नहीं है उनके बच्चों की टेल भी कटी हुई पैदा होगी ऐसा होता है ऐसा ह्यूमंस में भी होता है अगर मां बाप की टांगे खराब हैं वो अपाहिज हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी अपाहिज पैदा होंगे बच्चे बिल्कुल हेल्दी पैदा होते हैं, राइट? Right? तो ये बेस्ट है समझने के लिए। टेल ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स सिंस द एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ द कट टेल्स ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन जीन्स ऑफ द माइस दिस ट्रेड कॉन्ट बी पॉज टू नेक्स्ट जनरेशन ये ध्यान रखना एक ट्रेड जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इट इज कॉज बाय अज इन इट्स जीन्स उसी को हम इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं इनहैरिटेड ट्रेड पास ऑन हो सकते हैं प्रोजिनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तक क्योंकि वो जीन्स में चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिज्म के तभी पास ऑन हुए सपोज करो रेड बीटल्स जो है सपोज देर इज अ पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स इन ग्रीन बुशेज तो सपोज करो कलर वेरिएशन अराइज हो रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ताकि उनमें से जो एक बीटल है वो ग्रीन कलर की है रेड की बजाय तो ये जो चेंज आया ग्रीन कलर का बीटल में इट हैज बीन ब्रॉड बाय द चेंज इन द जीन्स उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स में जीन्स में जो चेंज आया जो ग्रीन कलर है बीटल का वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है इट कैन बी ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन द चेंज फ्रॉम रेड बीटल टू ग्रीन बीटल इट कैन बी कंसिडर्ड ओनली बाय एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन क्योंकि ये उसको सर्वाइवल ये डार्विन को थ्योरी भी है वैसे ठीक है ना कि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो चेंज हो जाएगा फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाएगा इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब है कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले जैसे कि ये देखिए एक फ़ादर के रेड कर्ली हेयर है जबकि जो मदर है ब्राउन आइज़ है इनकी फादर की और जबकि जो मदर है उसके हेयर्स ब्लैक हैं और आइज़ भी देखो आइज़ का कलर भी डिफरेंट है ठीक है तो इन आ, फादर के रेड कर्ली हेयर्स ब्राउन आइज क्रब नोस है और क्लेफ्ट चिन है ठीक है और जो मदर है उसके स्ट्रेट ब्लैक हेयर हैं ब्लू आइज़ हैं और लॉन्ग थिन नोस है और एक पॉइंटेड यहाँ जरा फोकस करना अब जो बच्चे पैदा हुए हैं फैमिली में देखिए उन्हें कई कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से मिले हैं जैसे दो बच्चे जो हैं देखिए उनके जो हेयर है उनके फादर पे गए हैं रेड है पर हे, देखो हेयर यहां मदर की तरह गए हैं पर इसके मतलब करली नहीं है लड़की के हेयर स्ट्रेट है राइट और एक बच्चा है उसके हेयर भी करली है फादर की तरह है बिल्कुल ठीक है जबकि जो दो बच्चे हैं उनके हेयर ब्लैक हेयर है, है मदर की तरह दो चिल्ड्रंस की ब्राउन आइज हैं फादर की तरह जैसे आप देख सकते हो इन दोनों की ब्राउन आइज हैं और इसके अलावा इन दोनों की ब्लू आइज हैं तो जो फाइनली दो बच्चे हैं मतलब चार बच्चे थे इनके टू चिल्ड्रंस स्नब लेफ्ट एंड क्लेफ्ट एंड चिन लाइक फादर वेयर टू हैव हाँ लॉन्ग थिन नोस आप देख सकते हैं इनकी लॉन्ग थिन नोज है तो ऐसे करके जो कैरेक्टरिस्टिक हमसे हमारे ऑफस्प्रिंग्स तक चले जाएंगे वो इनहेरिटेड होंगे और जो आप खुद मेहनत करके खुद अर्जित करेंगे खुद गेन करेंगे वो एक्वायर्ड होंगे तो क्लास ये लास्ट वीडियो था हेरिडिटी चैप्टर का थैंक यू